Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। जाओ, तुम लोग अंदर जाओ। पर पिताजी। फिर पिताजी ने कहा ना अंदर जाओ, जाओ। बड़ों को बात करने दो, तुम अंदर जाओ। यशो, नहीं बेटा, यहाँ पर सबके सामने उनसे कुछ मत कहो। तुम्हें मेरी कसम, अभी तक तुम मेरे और ईश्वर के बारे में जो भी बोलते रहे मैंने चुपचाप बर्दाश्त किया, लेकिन आज तुमने मेरे परम भक्त खिलौने वाले को भटकाया है। ईश्वर का पात्र बनकर कितनी मुश्किल से उसे समझाया था कि पैसे और भौतिक वस्तुओं के पीछे पड़कर भक्ति में बाधा आ सकती है उसकी, लेकिन तुमने एक ही दिन में ईश्वर की पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया। हाँ, सही कह रहे हैं गुरुजी। हाँ, सही कह रहे हैं। शायद तुम्हारी माँ ने तुम्हें गलत रास्ता दिखाया, इसीलिए तुमने ये सब किया। लेकिन अब बहुत हो गया, अब मैं अपने भक्तों को भक्ति के रास्ते से भटकने नहीं दूंगा। मैं पूरे सम्मान के साथ आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप क्रोध में आकर मेरी पत्नी और मेरे बच्चे पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। जब आपका एक क्रोध शांत हो जाएगा तो इस विषय में हम बात कर पाएंगे। देखो भाइयों, देखो 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 सब देखो, यीशु के पिताजी मुझे निर्देश दे रहे हैं, मुझे निर्देश दे रहे हैं। कैसा जमाना आ गया है, प्रभु प्रभु देख रहे हैं आप। रवि गुरुजी, हमारा पूरा परिवार आपका बहुत आदर करता है, ये जो कुछ भी हुआ है ये किसी गलत फहमी के कारण हुआ है। मैं आपको ये आश्वासन देती हूँ, भविष्य में आपको मेरे परिवार की तरफ से कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अरे भविष्य की बात तो बाद में करेंगे, लेकिन वर्तमान का क्या? मेरे भक्तों को भटकाने का जो अपराध किया है इसने, उसका क्या? देखिए, आप क्रोधित मत होइए, मैं यीशु को, मुझे क्रोध इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं अपने भक्तों को कष्ट में नहीं देख सकता, नहीं देख सकता, क्योंकि मैं इनके पिता समान हूँ। मेरे ही माध्यम से ये ईश्वर तक पहुंच पाते हैं, ईश्वर से जुड़ पाते हैं, अपनी सारी समस्याओं का समाधान ढूंढ पाते हैं, ईश्वर तक अपने अपने सारे संदेश पहुंचा पाते हैं। इन सब की कठिनाइयां मेरी कठिनाइयां हैं। कृपया करके परम पिता के बारे में झूठ मत बोलिए। परमेश्वर तो खेरे के अंदर आते हैं माँ, वो भी मेरे अपनों में शामिल है। फिर उनके बारे में कोई गलत कहे, मैं चुप कैसे रह सकता हूँ? परमपिता परमेश्वर से जुड़ने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं है, वे हम सबकी प्रार्थना सुनते हैं, इसलिए आप उनके बारे में झूठ मत बोलिए। मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ? तुम अपने आप को समझते क्या हो? महाज्ञानी क्या हो तुम? महाज्ञानी हो क्या? तुम ही जानते हो ईश्वर के बारे में सब। मैंने जो सीखा है वही बता रहा हूँ, होता वही है जो परमपिता की मर्जी होती है। और अगर हमारी आस्था सच्ची होगी तो परमपिता हमारी जरूर मदद करेंगे, क्योंकि सिर्फ वही है जो चाहे तो सब कुछ ठीक कर सकते हैं। तो फिर सच को आज क्या? आज सबको पता चल जाने दो कि क्या सच है और क्या झूठ।
तुम्हारा कहना है कि अगर इंसान की आस्था सच्ची हो तो ईश्वर किसी की भी प्रार्थना सुन लेता है, हैं? ये मेरी बेटी है, अंधी है। उस लड़की ने तो हद ही कर दी। अरे बिल्कुल उसके पैरों के पास पड़ी थी गेंद, पर उसने उठाकर नहीं दी। तुम मेरी अंधी बेटी नीमा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करो कि उसकी आंखें लौटा दे। करो। और अगर तुमने ये चमत्कार कर दिया तो मैं मान लूंगा कि तुम जीत गए और मैं हार गया, और अगर ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हें अपने पूरे परिवार के साथ हमेशा हमेशा के लिए इस गांव को छोड़कर जाना होगा। बोलो, मंजूर है ये शर्त? चुप क्यों हो? जवाब दो, तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है या नहीं? रब्बी गुरुजी, आप ये क्या कह रहे हैं? बहुत ज्ञानी है ना तुम्हारा बेटा, मैं जानना चाहता हूं उससे कि शर्त के बारे में उसका क्या कहना है। यीशु को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। और ये क्या कह रहे हैं आप? कैसा न्याय है ये? आप एक छोटे से बच्चे से ये कह रहे हैं कि वो एक नेत्रहीन की दृष्टि वापस लौटाए? देखा, देखा आप लोगों ने? मैंने आप सब लोगों से यही कहा है कि अगर यीशु ने मुझे गलत साबित कर दिया तो मैं अपनी हार मान लूंगा, हार मान लूंगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि क्योंकि ईश्वर के प्रति मेरी भक्ति सच्ची है। ईश्वर ने मुझे खुद चुना है, मेरे मन में कोई मैल नहीं है। लेकिन डर रहे हैं ये लोग, डर रहे हैं मेरी शर्त मानने में, क्योंकि क्योंकि इनके मन में खोट है, खोट है इन लोगों के मन में। मैं कोई चमत्कार नहीं कर सकता, बस प्रार्थना कर सकता हूँ। और मैं ही नहीं, आप और नीमा भी प्रार्थना कर सकती है। अगर प्रार्थना सच्ची हुई और परमपिता परमेश्वर की कृपा हुई तो कुछ भी हो सकता है। नीमा की आंखों की रोशनी भी लौट सकती है। कर ली, यीशु ने शर्त मंजूर कर ली। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, यीशु ने शर्त मानने की कोई बात ही नहीं की है। अरे लेकिन इसने अभी अभी कहा है, तो इसका मतलब तो यही है ना कि इसने हमारी शर्त मंजूर कर ली। सुना ना सब लोगों ने? हाँ सही कह रहे हैं गुरुजी। अभी तो मंजूर की है। हाँ, हमारे सामने मंजूर की है। हाँ हाँ सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। यीशु ने बहुत गलत साबित किया। सही कह रहे हैं, सही है। दो दिन है तुम्हारे पास। या तो मेरी बेटी नीमा की आंखों की रोशनी वापस लाओ, या इस गांव को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चले जाओ।
Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।